Delhi World Public School, India's number one emerging school, jahan hai academics, sports and performing arts ka behtareen combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. वर्तमान में जो आप सभी को जैसा विदित है कि हमारे पूरे विश्व में और ज़्यादा करके हमारे हिंदुस्तान में भी जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है उसके तहत जो राज्य सरकार से जो निर्देश प्रदान है और जो ही हमारे जिला प्रशासन और हमारे आदरणीय महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत और चिन्मयी मैडम जो हमारी आयुक्त महोदय उनके स्पष्ट निर्देश हैं और सख्ती से हमें जो ये कार्य करने के निर्देश दिए इसके तहत हम जो है हमारे जो ये टेम्पो जो जेटर्स है इसके द्वारा आप जो विशेष जहाँ ज़्यादा भीड़ आ रही हो जहाँ बाहर से लोग आ रहे हो इसी की कड़ी में आज हम रेलवे स्टेशन पे यहाँ जो हमारे इस दवाई का जो छिड़काव करने आए ये सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड नाम से जो दवा है इसका जो गवर्नमेंट से जो डायरेक्शन है उसके अनुसार से हम इसका दवा छिड़काव कर रहे हैं। आज ये पूरा रेलवे स्टेशन पे हम इसका छिड़काव करेंगे, शहीद स्मारक पर रहेंगे, कलेक्टर है और इसी तरीके से जो जन्य ऑफिस हैं जो रोज़मर्रा हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ छिड़काव कर रहे हैं और जहाँ पब्लिक का आने का ज़्यादा हो रहा है वहाँ इस दवा का ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर भी छिड़काव कर रहे हैं। हमारे 180 आदमियों की टीम नगर निगम की जो कंधे पर पिट्टू लेकर के जा रही है और वह एक एक वार्ड में गली और मोहल्ले में जा जाके छिड़काव कर रही है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो शहर में है इस बीमारी का कोई प्रकोप संक्रमण नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।